चुनाव के समय में सोशल मीडिया और ज्यादा एक्टिव हो जाता है और हमारे सामने चुनौती है। जैसा कि रोहन जी बता रहे थे, थोड़ी सी बात मैंने इनकी सुनी कि भारतीय जनता पार्टी से हमारा मुकाबला है सोशल मीडिया पर एक बात पर सबसे ज्यादा, और वो है कि जिस चीज में ये माहिर हैं, फेक न्यूज फैलाने में। जब तक किसी को ये मालूम पड़ता है ये फेक न्यूज है, आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और निकाल लाते हैं। तो आप ऐसे हैं जो यंग माइंड्स हैं, सब इन बातों को समझते हैं और उसी शार्पनेस से आप उनका जवाब दे सकते हैं। आज यहां से आप बहुत सी बातें सीख रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के कई स्तर पर इनका ये कार्य होता है, चाहे ये बैठकर बिना किसी नाम के एनोनिमस नाम से फैलाते हैं फेक न्यूज, चाहे इनके अपने हैंडल से फैलाते हैं एक दुष्प्रचार, चाहे फिर नीचे ऐसे लगता है कि इनके सिंपथाइजर हैं उनके माध्यम से करते हैं। तो तरह तरह से ये सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार फैलाने की कोशिश करते हैं। ओके, ऑल राइट विजुअली आपको ओके, थैंक यू जी। तो ये तरह तरह से दुष्प्रचार फैलाते हैं, चाहे इनकी अपनी पार्टी के बारे में हो, चाहे अपने नेताओं के बारे में हो, चाहे नेशनल इंटरनेशनल कुछ नमूने दिखाए गए उस तरह की बात हो। एक होता है सीधा और एक होता है टेढ़ा, जो इन्फ्लुएंस करता है। आम लोगों को लगता नहीं है कि यह भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है, सीधा पॉलिटिकल अटैक नहीं होता, लेकिन टेढ़े ढंग से ये माइंड गेम्स खेलकर माइंड को इन्फ्लुएंस करते हैं। जो नॉर्मल लोग होते हैं वो सोचेंगे कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा तो नहीं है, लेकिन ये आम लोगों में इस तरह की भावना है तो शायद यही ठीक होगा। तो ये भी एक तरीका होता है, तरह तरह से ये करते हैं। लेकिन आप लोगों को चौकन्ने होना है। अब आप जो हैं यहां पर बैठे हैं, ये हमारी कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया की फौज है। सारे हथियार आपके हाथ में होने चाहिए। एक तरफ मुद्दों के हथियार होने चाहिए, अपने मुद्दे, दूसरी ओर इनकी फेक न्यूज को काउंटर करना, तीसरी बात जो भारतीय जनता पार्टी की हमारे स्टेट लेवल की भी सरकार की नाकामियां हैं, गलत बातें हैं, इनको एक्सपोज करना आपका काम है। और उसके अलावा हमारे कांग्रेस पार्टी का जो अपने मुद्दे हैं जो हम लोगों से उठा रहे हैं, वो मुद्दों को हमने लोगों के बीच में पहुंचाना है। तरह तरह के तरीके हैं, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, और भी कुछ होगा बहुत कुछ है, ज्यादा आप बेहतर जानते हैं। तो इन सबको आपने देखना है और हर तरीके को आपने अपनाना है। सबसे ज्यादा शायद व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, तो आपने ये देखना है कि कितने ज्यादा से ज्यादा आप व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाएंगे और बहुत जल्दी ही उसके माध्यम से आप लोगों के बीच में अपनी बात रख सकेंगे। तो ये ग्रेट, आप लोग जो हैं ये ग्रेट इन्फ्लुएंसर्स हैं और यंग माइंड हैं आपके, तो सबसे ज्यादा शार्पनेस आप लोगों में है। मैं ये समझती हूँ कि जो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये हमेशा हमने समझा जैसे जब राजीव जी के समय में कि हमको आगे की ओर जब बढ़ना है, आगे की ओर देखना है, तो हमें यंग माइंड्स को टैप करना है, उनको बीच में लाना है, हमारे हर प्रोसेस में यंग माइंड्स को इन्वॉल्व करना है। तो राजीव जी के समय में उन्होंने जब वोटिंग एज 21 से 18 की, तो बहुत बड़ा काम था। और आज के दिन मैं आपको बता सकती हूँ, मेरे बहुत से साथी जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, मैं उनसे पूछती हूँ कुछ बातें, वो अपने 20s या 30s में होते हैं, हम सोचते हैं यंग हैं काम कर रहे हैं, तो कहते हैं नहीं जी नहीं, हम तो आपके पास 16-17 साल के बच्चों को लाना चाहेंगे। तो मैंने कहा उनकी तो वोटिंग एज भी नहीं है अभी 18, पर ये सबको मालूम है वोटिंग एज हो ना हो, लेकिन इन्फ्लुएंसर्स हैं वो। तो यंग से यंग लोगों को आपने अपने साथ जोड़ना है,
क्योंकि वो बात रख सकते हैं, लोगों के बीच में जा सकते हैं और इनोवेटिव हैं। इनोवेटिव होना बहुत ज़रूरी है कि नए आइडियाज़ को आप कैसे लोगों के बीच में डालेंगे, किस तरीके से डालेंगे। मुद्दे वही हैं, बातें वही हैं, हम आपके सामने रखते हैं, आप खुद समझते हैं, आप खुद सोशल मीडिया के माध्यम से भी पिकअप करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी पिकअप करते हैं, प्रिंट मीडिया से भी पिकअप करते हैं और उन सभी विचारों को, उन आइडियाज़ को आप लोगों के बीच में डालते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है, सोचनी है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ज़्यादातर शायद 99.9% केवल मेल हैं, लड़कियां कम हैं, लेकिन आप ऑलमोस्ट 50% को, उनको भी कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। अब जब यंग, ब्राइट यंग माइंड्स यहां पर हैं तो वो भी आपको सोचना पड़ेगा कि जो हमारा ऑलमोस्ट आधा हिस्सा है पॉपुलेशन का, उनकी थिंकिंग को कैसे आप इन्फ्लुएंस करेंगे। तो वो भी आपको सोचना है, उसमें भी आपको इनोवेशन लानी पड़ेगी कि हम महिलाओं को, लड़कियों को, क्योंकि उसमें यंग माइंड्स में सब हैं, नॉर्मल पॉपुलेशन में भी सब हैं और सोशल मीडिया पर सब एक्टिव हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों। तो उस चीज़ को भी आपने सोचना पड़ेगा कि उनको हम अपने फोल्ड में कैसे लेकर आएं। मुद्दे भी होते हैं, कुछ जेंडर स्पेसिफिक होते हैं और कुछ हैं जो न्यूट्रल हैं, जो सबके बीच में हम डाल सकते हैं। तो इन चीज़ों को भी आपने सोचना है। इन सब बातों को आप लेकर जाएंगे लोगों के बीच में। अभी चुनाव है, चुनाव के समय एक अलग तरह की चुनाव की चुनौती है। दिस इज़ अ बिग मोमेंट फॉर अस और इसको हम ये समझें कि ये आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ये मौका है। ये नहीं है कि ये कोई इम्तिहान है चुनाव, इम्तिहान अपनी जगह है, लेकिन आप लोगों को इसे एक मौके की तरह देखना चाहिए कि हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा इतने छोटे समय में हम कैसे उठा सकेंगे। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अब तो चुनाव है, मैं ज़्यादा समय आप लोगों के बीच में नहीं बिता पा रही। मेरा तो मन था कि ज़्यादा वक्त लगाते, लेकिन अभी आप यहाँ से जो भी लेकर जाएंगे, यहाँ हर तरह से आप जुड़े होंगे, औरों को जोड़ेंगे और आगे जाकर आप काम करेंगे। अब ये खट्टर सरकार की जितनी भी आप गलतियां देखेंगे, हर जगह गलतियां ही गलतियां हैं। 5 साल की इनकी नाकामियां हैं, विफलताएं हैं, उनको आपने एक्सपोज करना है। अभी जो बता रहे थे, पहले रिपोर्ट फिर वोट, ये हमारा स्लोगन है और इनका जो स्लोगन था 75 वाला, वो तो ये खुद ही भूलते जा रहे हैं। अब कम से कम इस्तेमाल कर रहे हैं ये 75 वाला आंकड़ा, क्योंकि इनको मालूम है कि वो बूमरैंग कर रहा है कहीं ना कहीं। तो ये असलियत से दूर है। असलियत जो है, ग्राउंड रियलिटी है, जो लोगों से जुड़े हुए हैं, उन मुद्दों को भी उठाना है आपने, जहां एक और पार्टी का है। लोगों की बात को जब उठाएंगे, हम हमेशा ये कहते हैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा ये कहती है कि यहां पर एक तरफा बात नहीं होती कि भाई एक आदमी बैठे और अपनी बात करे और सारे लोग सुनते ही रहें। हमने हमेशा जो भी करते हैं हम तैयार, या जो भी अपनी बात रखते हैं, लोगों के फीडबैक पर, इनपुट्स पर आधारित होता है। तो आज के दिन आप लोगों के पास भी जो इनपुट्स हैं, उनको भी आप इस्तेमाल करेंगे। जहां कांग्रेस तो दे रही है आपको, लेकिन आप भी अपने इनपुट्स इस्तेमाल करेंगे और उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया के माध्यम से डिसेमिनेट करेंगे। और हमारे मीडिया के साथी भी हैं, ये भी मैं बताना चाहूँगी कि बहुत समय ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया, ये भी आपकी जो बातें हैं उनमें से उठाते हैं अपनी खबरें। अब उल्टा हिसाब भी हो गया, ये नहीं है कि केवल आप इनसे इन्फ्लुएंस होंगे, ये भी आपसे उतना ही इन्फ्लुएंस होते हैं। तो अब ये आपका कॉम्पिटिशन है, हम देखेंगे कि आगे आप लोग कितना इन्फ्लुएंस कर पाएंगे मीडिया को भी और वैसे लोगों को भी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की बातें बहुत सारी हैं, बहुत से मुद्दे हैं हमारे। हम सबसे पहले, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर हमारे युवा साथी बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी के सिपाही, तो आप लोगों ने ये देखना है कि लोगों को बताना है कि भाई युवाओं के लिए क्या किया। जब आप पूछेंगे कि युवाओं के लिए क्या किया, तो सीधा आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। आज के दिन अपने पास ड्रग्स का एक बहुत बड़ा मुद्दा है हरियाणा में, बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको ये दिखाना नहीं चाहते और ढकना चाहते हैं। लेकिन किसी से भी पूछें, कहीं भी जाकर पूछें
कि जब से पंजाब में मामला सख्त हुआ है तो हरियाणा की ओर ये मुड़ गया है। और हमारे आप जैसे लोग, हमारे यंग माइंड्स, अगर हमारे यंग लोग, यूथ अगर हमारा खराब हो जाएगा तो आगे क्या होगा, हमारे समाज का क्या होगा। तो ये केवल पॉलिटिकल बात नहीं है, ये हर एक को छूती है। तो इसके बारे में सरकार ने क्या किया है? कुछ नहीं किया है। पंजाब में तो हमने एसटीएफ बनाई है, लेकिन हरियाणा में हरियाणा सरकार ने क्या किया है? और इसी तरह रोजगार की बात लीजिए, रोजगार की बातें हर रोज आ रही हैं। एक जो मंदी आई है, मंदी कैसे आई है? तो ये सरकार की नाकामियों से ही तो आई होगी। नोटबंदी से शुरू किया था आपने, जीएसटी से शुरू किया। अभी कल ही मैं कल रात को पानीपत में थी, मैंने उनसे पूछा कि कैसे चल रहा है आपकी इंडस्ट्री, तो वहां पर मुझे बताया गया कि प्रोडक्शन 70% डाउन है, मार्केट 70%। और अगर कोई भी इंडस्ट्री 70% डाउन होगी तो आप सोच सकते हैं कि क्या होगा। एम्प्लॉयमेंट तो अपने आप घटती जाएगी। और एक आपके सामने जीती जागती बहुत ताज़ा मिसाल है, अभी इन्होंने इम्तिहान रखे थे क्लार्क के, 4,862 केवल इतनी नौकरियां थी और 15 लाख लोग थे, 15 लाख, है ना। तो ये तो रिकॉर्ड की बात है। अगर इतने लोग अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार हमारे लड़के लड़कियां ना होते तो वो क्या एग्जाम देने जाते? तो 15 लाख का आंकड़ा आपके सामने है, सबके सामने। अब मनोहर लाल जी, मुख्यमंत्री जी, इस चीज को नाकार तो सकते नहीं, कह रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, आंकड़े गलत आए हैं। हरियाणा में हाईएस्ट दर बताई जाती है अनएम्प्लॉयमेंट की, 28.7%, वो कह रहे हैं गलत है। अच्छा, गलत है आप बता दो, गलत है तो असली बता दो भाई। असली तो सड़कों पे दिख गया, 3 दिन में 15 लाख बच्चे जब इधर से उधर 250 किलोमीटर दूर गए, तंग हुए, तो वो असलियत। ये सवाल है जो पूछने हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं है। और जब आप ये सवाल पूछेंगे, रिपोर्ट कार्ड मांगेंगे, तो आम लोग आपकी इस बात को समझेंगे कि असली बात आपने उठाई है। ये सिर्फ मैं आपको उदाहरण दे रही हूं कि इस तरह के बहुत से मुद्दे हैं। महिलाओं की सुरक्षा की बात है, हमारा किसान है, हमारा मजदूर है, गरीब से गरीब आदमी है, भाई बताओ आपने उनके लिए क्या किया, बच्चों के लिए क्या किया, वजीफों का इतना बड़ा घोटाला। ये कहते हैं कि हमने साफ सुथरी, कहां से रोज नए नए घोटाले इनके सामने आते हैं, माइनिंग माफिया है, ड्रग माफिया है, सारे पेपर लीक होते रहे हैं, तरह तरह की बातें हैं। तो वो सामने आपने सब एक्सपोज करनी है। इन्होंने अपने कितनों के टिकट काटे, किस बात पर काटे, कोई तो बात हुई होंगी, घोटाले हुए होंगे, कोई आपकी नाकामियां हुई होंगी। तो आज के दिन कोई कटघरे में खड़ा होता है तो वो सरकार खड़ी होती है। ये मनोहर लाल जी द्वारा, जो इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये कटघरे में खड़ी है और सारी नेगेटिविटी इनके सिर पर है। जवाब इनको देना है, 5 साल इनकी सरकार रही है, कटघरे में आप इनको खड़ा करिए, लोग आपके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि जो बातें हैं ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को छूती हैं। आज के दिन कोई मतलब नहीं, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है तो जी एनआरसी ले आओ, वो क्या 370 ले आओ, फलाना ले आओ, उसका क्या मायने है। एक नागरिक, कोई मेरा एक यहां पर साथी खड़ा होके बता दे कि 370 का उसके लिए क्या मतलब? कुछ नहीं। मनोहर लाल जी ने खुद जवाब दे दिया, 370 का जवाब आपको मिल गया है उनके द्वारा, कि 370 की इंटरप्रिटेशन उन्होंने आपको दी है, उसका मायने दिया है हमारे युवाओं को और हमारी बहनों को, कि 370 का इंटरप्रिटेशन आप ऐसे लोगों को एक्सप्लेन वो खुद कर रहे हैं कि इसका मतलब है जी हमारे युवा कश्मीर की लड़कियों को ले आएंगे। अब ये आप बता रहे हो युवाओं को 370 का मतलब? पहली बात तो ये आपकी मानसिकता दिखा रहा है कि आपकी लड़कियों के बारे में क्या सोच है, कितनी छोटी ऐसी सोच है, नकारात्मक सोच है। और दूसरी ओर 370 का मायने आप युवाओं को ये सिखा रहे हो, इसका मतलब आपकी अपनी समझ ये है। तो भाई पहले युवाओं को इतना सक्षम तो बनाओ कि वो अपने अपने ही राज्य में कुछ कर सकें काम। इतना सक्षम तो पता नहीं कब होंगे कि भाई कश्मीर में जाके जमीन खरीद देंगे। तो ये बातें हैं जो लोगों को समझाने, बाकी आप लोग बहुत ज्यादा समझदार हैं, आप आज इंफॉर्मेशन टिप्स पर है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप इन सब चीजों को समझकर लग जाइए, क्योंकि आज के दिन जो देखने में आता है, एक दूसरे से हम कम बात करते हैं और अपने
से, सोशल मीडिया से ज़्यादा एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो इसका आप इस्तेमाल कीजिए। मेरा मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ, रोहन जी आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज ये आपने इतनी बढ़िया यहाँ पर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है, और हमारे सभी लोग आपसे और यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। आपने इनको बहुत हथियार दिए हैं इनके हाथ में, और ये इसका इस्तेमाल करेंगे। और साथियों, आपको मैं विश्वास दिलाती हूँ कि अभी ये चुनाव का दौर है, 10-12 दिन की बात है, इसमें आप भी लगे होंगे, मैं भी लगी होंगी, और हमारे सभी साथी प्रदेश भर में लगे हुए हैं अपने अपने काम में, तो इस काम में आप जुट जाइए। विश्वास मेरा ये है कि चुनाव के बाद हम फिर मिलेंगे, और जैसा रोहन जी ने बताया कि कौन परफॉर्मर्स हैं वो आप मुझे तो मालूम नहीं, यही करेंगे आंकलन कैसे करेंगे, इनको भी मालूम है, आपको भी मालूम है, तो जो परफॉर्म करेगा उनकी भी हम पहचान करेंगे कांग्रेस पार्टी की ओर से, और आप सब से भी हम मिलेंगे और फीडबैक लेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऑनगोइंग चीज़ है हमारे पार्टी के लिए, लेकिन मैक्सिमम जो पीक पर होता है चुनाव में होता है। और मैं आप सबसे आह्वान करती हूँ और आपसे उम्मीद करती हूँ कि अगले 10-12 दिन आप पूरे एक सोल्जर्स की तरह, आर्मी की तरह, योद्धाओं की तरह रण में उतरेंगे और फतेह हासिल करेंगे। मेरी बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं हैं, धन्यवाद।